मंत्रिमंडल में मेरे साथी हुकम सिंह कराड़ा जी, सुखदेव पांसे जी, सचिन यादव जी, जयवर्धन सिंह जी, प्रियव्रत सिंह जी, जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, राणा विक्रम सिंह जी, सांसद जी बापूलाल यादव जी, विपिन वांकटे जी, सभी आम उपस्थित विधायकगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई आज आगर आकर। ये नगरी श्रद्धा की नगरी है, ये नगरी मानवता की नगरी है, ये नगरी सरलता की नगरी है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति से मुझे बल और शक्ति मिली। अभी हाल में ही दिल्ली में दंगे हुए और इन दंगों में 50 लोगों की मौत हुई, लगभग 50 लोगों की मौत हुई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े दुख की बात है कि अपने देश की राजधानी में इस प्रकार के दंगे हुए। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। ये हमारी संस्कृति है और यही हमारी शक्ति है। कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में? कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी अनेकता होए, यहां इतनी विभिन्नता होए। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी विभिन्न जातियां, इतने विभिन्न धर्म, इतनी विभिन्न भाषाएं, इतने विभिन्न त्योहार। हम यहां से दक्षिण भी जाते हैं तो हमारी धोती और पजामा लुंगी बन जाती है। यह हमारी अनेकता है और पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, ताज्जुब की ओर से देखता है, सम्मान की से देखता है कि एक ऐसा देश, इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता और एक झंडे के नीचे खड़ा है। यह हमारी महानता है, यह भारत की शक्ति है और इसे ही हमें सुरक्षित रखना है। हमारे सामाजिक मूल्यों को हमें सुरक्षित रखना है, अपने इतिहास को, देश के सांस्कृतिक इतिहास को हमें सुरक्षित रखना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। 14 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास रखा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी और कैसा प्रदेश हमें सौंपा, कैसा प्रदेश हमें सौंपा, एक ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, एक ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में नंबर वन, एक ऐसा प्रदेश जहां हमारे माताओं और बहनों की सुरक्षा नहीं हो पाती, एक ऐसा प्रदेश हमें सौंपा, एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां तिजोरी खाली। ये मैं नहीं कहता, ये तो पिछली सरकार के मंत्री कहते थे कि तिजोरी खाली है, कुछ काम नहीं हो पाएगा। पर हमने ये चुनौती स्वीकार करी और 14 महीनों में हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। हमारे किसानों का जन्म कर्जे में होता है, मौत कर्जे में होती है। हमने वचन दिया था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हमने शुरुआत करी, तिजोरी खाली थी पर हमने शुरुआत करी। पहली किस्त में हमने मध्य प्रदेश में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अब दूसरी किस्त शुरू हुई है और मुझे खुशी है कि आज यहाँ किसान बैठे हैं, जिनका दूसरी किस्त में भी कर्जा माफ होएगा। तीसरी किस्त आएगी,
तीसरी किस्त आएगी, हम वचनबद्ध हैं कि हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। आलोचना करते हैं, आलोचना होती है कि कर्जा माफ नहीं होता। भाई आलोचना तो करते रहिए, 15 साल आपने तो घोषणाएं करी, आज आप आलोचना करने आए हैं। 15 साल का हिसाब किताब दे दें, जो सरकार 15 साल रही हिसाब किताब दे। आगर में तो अब उपचुनाव है, मैं तो आपसे कहूंगा जब आपके पास आए कहिएगा आप 14 महीने की बात मत करिए, आप तो 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आज यह हिसाब किताब आपको मांगना है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, भविष्य की, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, हमारे नौजवानों की दुनिया कुछ और है। ये बुजुर्ग यहां बैठे हैं, बुजुर्गों आपकी दुनिया कुछ और थी, आपने तो बिना सड़क के बिना पानी के, सही बात है, अपना जीवन काटा है। पर आज का नौजवान जो है इसकी अपनी सोच है, आज के नौजवान में ज्ञान है, आज के नौजवान में एक तड़फ है, आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे हमारे नौजवान? हमारी माताएं और बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, माताओं और बहनों आपने कितने प्यार से कितनी मेहनत से इन बच्चों को पाला पोसा है, और कितना बड़ा धोखा 15 साल में हमारे नौजवानों के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगे नहीं उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। और अभी राणा, मेरे साथी राणा जी कह रहे थे फूड प्रोसेसिंग की, कितनी फल और सब्जी यहां आज हमारे आगर मालवा क्षेत्र में होती है, कितना परिवर्तन हुआ है। किसान भाई बैठे हैं, 20 साल पहले क्या उत्पादन था? कोई फल और सब्जी का उत्पादन नहीं था, सही बात है ना? आज हमारे कृषि क्षेत्र में यह परिवर्तन हो रहा है, हमारी सब्जी हमारे फल, हम तो मध्य प्रदेश को हॉर्टिकल्चरल राजधानी देश का बनाना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब आगर मालवा जैसे क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग का यूनिट आए, फूड प्रोसेसिंग का कारोबार आए, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, बड़े अच्छे मेरे साथी हैं, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे साथी हैं, आपको निराश नहीं करूंगा। तो मैं घोषणाएं नहीं करता, मैंने कहा था मैं घोषणाएं नहीं करता, घोषणाएं पर तो तालियां बज जाती हैं, जब ये फूड प्रोसेसिंग लगेगा तब आप तालियां बजाइएगा, घोषणा पर तालियां मत बजाइए। अभी तो मध्य प्रदेश का पेट भर गया, 15 साल घोषणाएं होती रही, मध्य प्रदेश के लोगों का पेट भर गया। मैंने तब पहले दिन कहा था मैं घोषणा नहीं करूंगा, और मैं घोषणा नहीं करता। मैंने नहीं कहा था कि ये पेयजल की योजना आएगी, मैंने घोषणा नहीं करी थी ये सब हमारी सिंचाई योजनाएं आएंगी, पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका क्या मायने है? पीने का पानी तो आएगा, सिंचाई तो होगी, पर सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है, ये तो एक प्रकार का निवेश आ रहा है। अगर 600 करोड़ रुपए की ये योजना आए, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, गाड़ी घोड़ा अपना, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, और इसी आर्थिक गतिविधि से हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, व्यवसाय का मौका मिलेगा, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई ट्रैक्टर चला लेगा। ये आर्थिक गतिविधि ही हमारा लक्ष्य है, हमारे नौजवानों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नया निवेश आए।
मध्य प्रदेश में नया निवेश आए, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान भोपाल गैस त्रासदी से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान तो उसके लोगों से, उसकी लोगों की मेहनत से, हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, हमारे नौजवानों की क्षमता से होनी चाहिए। ये विश्वास हमें पैदा करना है और हम लगे हैं कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश का एक नया प्रोफाइल बने ताकि मध्य प्रदेश में निवेश आए। जब आप फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग कैसे आएगा? लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो जब तक विश्वास ना हुए मध्य प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं होगा। तो ये आज हमारे सामने चुनौती है, हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि इस सरकार की प्राथमिकता हमारे नौजवान हैं, इस सरकार की प्राथमिकता हमारा किसान है। आज हमारे कृषि क्षेत्र से 70% लोग जुड़े हैं, जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी किराने की दुकान चलती है। जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, तभी तो उसका व्यापार चलता है। हमारे ब्लॉक में, हमारे तहसील में ये बाजारों में रोशनी है, जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत मिले। और ये तभी संभव है जब किसानों के साथ न्याय हुए, उनको उनके उत्पादन का सही मूल्य मिले। 20 साल पहले चुनौती कुछ और थी, चुनौती थी कम उत्पादन की, आज चुनौती है बढ़ते हुए उत्पादन की। इस बढ़ते हुए उत्पादन का तभी मतलब, तभी मायने, जब किसानों को सही मूल्य मिले। और हमने तो ये वचन दिया है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे, हम कृषि क्षेत्र को नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे। पर बड़े दुख की बात है, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री, आप सुनते हैं ना उन्हें, किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते। आपने सुना पिछले 8-10 महीनों में, पहले तो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पहले तो कहते थे 15 लाख रुपए मिलेगा, अब नौजवानों की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। कितना ध्यान मोड़ते हैं, आज किसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री? आज मोदी जी बात करते हैं पाकिस्तान की। हम सब बात करते हैं, हम सब चिंतित हैं पाकिस्तान के बारे में। हमें कोई शक नहीं कि हम पूरा मुकाबला पाकिस्तान से कर सकते हैं। आज ये राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, आज मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कोई है मोदी जी, कोई है आपकी पार्टी में जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुए? बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे ये गवाह हैं, है ना? कोई इनके पार्टी में रहा है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? क्या ये कलाकारी है? मैं तो यही कहता हूं कि आपको सच्चाई पहचाननी है, ये जो चित्र है आप सच्चाई पहचानिए। नौजवानों, माताओं और बहनों, आपसे तो मैं प्रार्थना करता हूं, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई पहचानिए कि किस तरह आपका ध्यान मोड़ा जाता है उन बातों से, उन मुद्दों से, उन चुनौतियों से जिससे हमारा भविष्य जुड़ा है। ये आपको सच्चाई पहचाननी है। कांग्रेस को साथ देने के लिए तो मैं कहूंगा ही, पर साथ में मैं कहूंगा सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिए, अपना भविष्य सुरक्षित रखिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। 40 साल आगर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, सही बात है? 40 साल, इसलिए 60 साल में 40 साल भाजपा को वोट दिए। और इतना ही कहना चाहता हूं, 40 साल आपने अजमा लिया, एक दफा मुझे भी मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं,
कि हम आगर मालवा का एक नया इतिहास बनाएंगे, के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, माताओं और बहनों को कहना चाहता हूं, ये मौका आप दीजिए। आप भी 40 साल का इतिहास देख लीजिए, हमारे 14 महीनों का नीति और नियत देख लीजिए, इस सच्चाई को पहचान लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने सच्चाई पहचान ली तो फिर से हमारे आगर का कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और एक नए इतिहास की शुरुआत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब हम उस क्रम की ओर बढ़ेंगे, हम किसानों को यहां से सम्मानित करवाएंगे और निश्चित रूप से धरती माँ के सीने से अन्न उगाकर सारी सृष्टि को जो पालता है ऐसे अन्नदाता किसान का सम्मान कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं जिनके नाम पुकारूंगा उन्हें जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से हम लोग कराएंगे। निश्चित रूप से ये किसान और नौजवान के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात आज मंच से यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कही। सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ भग्गूभाई इंदर सिंह चिपिया, जिनका कि 2 लाख रुपए का जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर्ज माफी हुई है। ये भग्गूभाई इंदर सिंह चिपिया कृपया शीघ्रता से मंच पर उनको लेकर आएंगे हमारे बैंकों के प्रतिनिधिगण, और मंच की राइट हैंड साइड से वो वहां पर चढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से किसान बंधु यहां से प्रस्थान करेंगे। धर्मराज कालू सिंह बड़ागांव ये दूसरे क्रम पर आएंगे। भग्गूभाई इंदर सिंह चिपिया जिनका 2 लाख रुपए राशि का ये फसल ऋण माफी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, कृषि मंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय, जल संसाधन मंत्री, प्रभारी मंत्री महोदय, इन समस्त अतिथियों के कर कमलों से। भग्गूभाई इंदर सिंह चिपिया, इसके बाद धर्मराज कालू सिंह बड़ागांव, भग्गूभाई इंदर सिंह चिपिया, इसके बाद धर्मराज कालू सिंह बड़ागांव, जिनका कि 2 लाख रुपए का फसल ऋण माफी का माफ हुआ है, जिनका प्रमाण पत्रों का वितरण कार्यक्रम के अतिथि महोदय के कर कमलों से। धन्नालाल विश्राम सिंगाबद, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे मंच पर, जो अन्य अतिथियों के साथ खड़े हुए हैं हमारे मंच पर आमंत्रित जिन्हें, ताकि इन किसान बंधुओं को निकलने में सुविधा रहेगी, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। धन्नालाल विश्राम सिंगावत 1,97,000 रुपया, और दुले सिंह बापू सिंह भाचाखेड़ा 1,97,490 रुपया। ये समिति प्रबंधकों के माध्यम से इन किसान बंधुओं को यहां पर आज आमंत्रित किया गया है। 1,97,490 दुले सिंह बापू सिंह, कृपया यहां से स्थान थोड़ा रिक्त कर देवे इन कृषक बंधुओं को निकलने के लिए। मैं चाहूंगा पहले एक क्रम में सभी कृषक बंधु यहां पर खड़े होंगे, जिनका 20 कृषकों को आमंत्रित किया गया है, और इसके बाद मेघवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल को मैं आमंत्रित करूंगा इन प्रमाण पत्रों के वितरण के बाद। सरदार सिंह भेरू सिंह नापाखेड़ा 1,96,000, मेहरवान सिंह भगवान सिंह रामाखेड़ी, मेहरवान सिंह भगवान सिंह रामाखेड़ी 1,96,000। ये तृतीय चरण के जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण, और संभवतः मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां ये तृतीय चरण की योजना का क्रियान्वयन होने जा रहा है आज। गुलाब सिंह बुलाजी कोहड़िया, मांगू सिंह अनार सिंह झोटा 1,91,411 रुपए की इनकी ऋण माफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है। पीरूलाल गंगाराम बोरखेड़ी 1,88,000, जसवंत सिंह भंवर सिंह मथुराखेड़ी, राम सिंह भागीरथ जी पालड़ा, प्रताप सिंह करण सिंह जी लाला, और रघुवीर सिंह सज्जन सिंह जी बीजनाखेड़ी, रामदयाल मन्ना जी सामरी, लाल सिंह राम सिंह हड़ाई, राम सिंह हड़ाई, हीरालाल मांगीलाल जी नरवल, हीरालाल मांगीलाल जी नरवल 1,54,904 रुपया, बने सिंह राम सिंह सालरी 1,49,000 रुपया, बने सिंह राम सिंह सालरी, जोधाराम सिंह हिम्मत सिंह सोयत खुर्द,
जोधाराम सिंह, हिम्मत सिंह सोयत खुर्द 1,46,000, त्रिलोक चंद रामेश्वर मोड़ी 1,40,000, मोहम्मद रफीक अमीर खां अमरकोट 1,39,000, अर्जुन जाद में प्रेम नारायण जो कि सुसनेर क्षेत्र से हैं 1,33,000 का इनका कर्ज माफ हुआ है, जो किसान फसल ऋण माफी के तृतीय चरण के। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं रेखाबाई दिलीप सिंह, मंच पर उन्हें ये बराई की है, 1,20,000 रुपए का इनका ऋण माफी पत्रक मिला हुआ है। और पवन भवानी शंकर सुसनेर, सब फोटो खींचेगा, पवन भवानी शंकर सुसनेर 1,03,000, नंदलाल भेरूलाल सुसनेर 1,03,100। मैं इन 20 किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं जिला प्रशासन की ओर से, जिनका की फसल ऋण माफी का तृतीय चरण के कर्ज माफी प्रमाण पत्र मिला है और इनकी राशि खातों में जाने का क्रम चालू हो चुका है, पूर्व से ही प्रमाण पत्रों का वितरण आज किया जा रहा है, इनकी राशि खाते में जा चुकी है। और ऐसे 20 कृषकों के बाद मैं चाहूंगा तैयार रहें मेघवाल समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है, गोवर्धन लाल जी गुवाहाटिया, नाथूलाल जी वर्मा आमला, मोहनलाल ढावला, संतोष जाद में सुसनेर, रमेश गुवाहाटिया कजलास और पीरूलाल जाद में सुसनेर, कृपया ये तैयार रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, अभिनंदन पत्र भेंट करने के लिए। मेघवाल समाज इन 200 कृषक बंधुओं को मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुरूप तृतीय चरण के जय किसान फसल ऋण माफी पत्रकों का वितरण यहां पर करवाया गया और इसके बाद जो क्रम प्रारंभ होगा बाकी कृषकों को सोसाइटियों के माध्यम से, नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। ये प्राप्त कर चुके तो किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया वो मंच को रिक्त कर देवें। मैं